आजकल कल एपिसमेलीफेरा को पाले जाने का काफ़ी प्रचलन हो चुका है क्योंकि एपिसमेलीफेरा ये इटालियन मधुमक्खी कहलाती है ये भारतीय मधुमक्खी एपिसराना इंडिका से बहुत अधिक मात्रा में शहद पैदा करती है और इसके अंदर बीमारियों से लड़ने की काफ़ी क्षमता होती है हम लोग देख रहे हैं ये कि ये एपिसमेलीफेरा मधुमक्खी का बॉक्स है इसके अंदर दो पार्ट होते हैं एक नीचे का पार्ट ये वाला पार्ट शिशुखंड कहलाता है ऊपर के पोर्शन को हम लोग मधुखंड कहते हैं शिशु के पार्ट में इसके शिशु डेवलप होते हैं जो इसको ब्रूड के नाम से जाना जाता है और मधुखंड के अंदर हमारी मधुमक्खियाँ शहद इकट्ठा करती हैं जिसको हम लोग एक्सट्रैक्शन करके अपने लिए पैदा करते हैं तीन प्रकार की मधुमक्खी होती हैं जो हमारे बॉक्स के अंदर काम करती हैं एक मधुमक्खी होती है रानी दूसरी नर मधुमक्खी कहलाती है तीसरी प्रकार की जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो श्रमिक कहलाती हैं मधुमक्खी के बॉक्स में रानी मधुमक्खी का सबसे अधिक काम होता है एक शिशु खंड में दस मधुमक्खी के कौम्ब आते हैं जो इस प्रकार से बने होते हैं जिसको हम लोग देखते हैं ये इसके अंदर मधुमक्खियों को अपने आप छत्ते बनाने का काम करना पड़ता है मधुमक्खियों को प्रारंभ में हम इस प्रकार की एक सीट देते हैं इस सीट के ऊपर मधुमक्खियाँ अपने छत्तों का निर्माण करती हैं और छत्तों का निर्माण करने के बाद हम लोगों को दिखाई देता है कि ये मधुमक्खियाँ अपने छत्तों का निर्माण इस प्रकार से इस पर कर लेती हैं छत्तों का निर्माण करने के बाद मधुमक्खियाँ रानी मधुमक्खी की इच्छा अनुसार कार्य करती हैं हमारे बॉक्स के अंदर एक रानी मधुमक्खी होती है बाकी दो से तीन प्रतिशत नर मधुमक्खियाँ होती हैं और बाकी की संख्या में शर्मिक मधुमखियाँ होती हैं